हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भी मैं सारा सामान जो लेकर आई थी वो निकाल कर रखने जा रही हूँ। शोभा बहुत ज़्यादा घर में आ गया है बारिश की वजह से, तो डर लगता है ना कि सब काट वाटने दे। तो पहले तो मैं इसमें चेक करूँगी क्योंकि मैं सारा सामान इसमें रखती हूँ। इसमें ना कुछ पुराने कपड़े भी हैं और इसमें सामान भी है। क्या क्या है? ये है सुपर मसाला, तो मैं लेकर आई जो मसाला अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, मतलब निकला ही नहीं है। ये क्या है? किचन किंग मसाला, गरम मसाला, फिलिप और ये सांभर मसाला। इतना सारा मसाला है और ये टोमेटो केचप। बर्तन धोने का साबुन एक मुझे निकालना है, तो मुझे लगा बर्तन इसमें है और ये दोनों सामान है। शैम्पू अभी है, मुझे शैम्पू भी मंगाना था। नमक का 2 पैकेट भी है। बाकी सामान पहले साबुन में निकाल कर रख लेती हूँ। चीज़ें से काटना पड़ेगा तो सबको सही से कर देती हूँ। तो ये मैंने लिया है काजू का पैकेट, सॉरी किसमें चाहिए, मैगी है, नमकीन का पैकेट है, इसमें कसूरी मेथी और क्या है, ये टॉफी देख सकते हैं, ये मैगी और ये पेप्सी की बॉटल। जितना जितना सामान है क्या क्या है, ये चावल, तो चावल और इसको तो मैं डब्बे में रखूंगी। ये रिफाइंड ऑयल, इसका डर लगता है कहीं चूहा इसको काट देगा ना तो सारा ही बेकार हो जाएगा। काजू और साबुन तो निकालना है मुझे, तो बस और कुछ है कुछ कॉफी पावर पॉइंट। बाकी फिर से मैं कपड़े ऐसे रख देती, तो इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा डेली डेली। रिफाइंड तो भी एक निकाल लूँगी तो होली। तो बाकी ऊपर से भी सारे कपड़े वगैरह मैं रख दे रही हूँ और इसके ऊपर से ये बैग मेरा सामान हो गया। क्योंकि मैं मॉल का जब सामान लेकर आती सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यही होती कि इसको रखने में दिक्कत होती, कहाँ रखूँ कहाँ नहीं। तो यहाँ पे है बिरयानी वाला चावल और साबुदाना। साबुदाना मैं इसलिए ये भी क्योंकि मुझे पापड़ भी बनाना था साबुदाने का और वो भी कितने का हुआ साबुदाना, 65 रुपीज़ का। ओह, तो अभी इन दोनों को डब्बे में रखूँगी खाली करके। और ये अमरूद मैंने रात में फ्रिज में रखा था तो अभी मैंने बाहर निकाल दिया है। अभी भी ये बिल्कुल ठंडा है और ठंडी तो है ही। और इधर कपड़े हैं तो कपड़े मैं दिखाती हूँ। एक अंडर गारमेंट और नीचे पहन कर गया है सॉफ्ट से, तो ये दोनों कलर हैं, तो कलर तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, रख देते हैं यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर देखूँगी बिल वगैरह क्या चीज़ कैसे है। तो कुछ नहीं, 125 रुपये का ये सॉक्स है जो कि खोल कर भी देख लेते हैं हम। खुलेगा कैसे, खुलने का कहीं दिख ही नहीं रहा इसका तो। इसको होगा ओपन करने का, यार ऐसे थोड़ी ना कर। तो खुल भी नहीं रहा। पता ही काटना पड़ेगा क्या ये। तो ये देखिए तीन तरीके के, तीन मतलब तीन कलर का सॉक्स है। सॉफ्ट है काफ़ी कपड़ा, तो तुम कॉटन का है तो निकाल के रख देते हैं। हम निकाल तो लेते हैं लेकिन जब पैक करने लगते हैं ना तो वो पैक भी नहीं होता है। तीन सॉक्स है, काफ़ी अच्छा दिन चल जाएगा।
सॉक्स ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डेली तो पहनते ही नहीं, सर्दी में ही डेली पहनते हैं। सूखी एक पैंट, ये दूसरी पैंट, और क्या, एक बनियान, इसको देख लेती हूँ। कागज वागज बस निकाल कर सबको हटा देती हूँ ताकि स्पेस कम रहे, मतलब। तो यही सब सारा सामान था जो कि हमने कल ख़रीदा। और चल रही है मशीन निकालने, क्योंकि मुझे ना एक दो कपड़े फटे हुए हैं वो भी सिलना है। और कैसे ऐसे एकदम लाइट लाइट से कैसा दिख रहा है समझ नहीं आ रहा है कैमरे से। और मैंने क्या बोला कि मैं जा रही हूँ कपड़े सिलने के लिए निकालने, क्योंकि रोज़ रोज़ आलस करके ना फिर हो नहीं पाता, सिल नहीं पाता है कपड़ा। और सिलने के लिए रखा हुआ है क्योंकि ब्लाउज पहनने के लिए मेरे पास है नहीं। कुछ कुछ ब्लाउज हैं ना जो सिंपल साड़ी पे पहनने के लिए, वो ब्लाउज़ ख़राब हो चुका है। तो चलती हूँ, आज मार्केट भी जाऊँगी तो देखूँगी कपड़े वगैरह, अगर मिल गया मुझे सही रेट में तो मैं कपड़ा भी लेकर आऊँगी। और जो फटे हुए कपड़े हैं जो मतलब कहीं से सिलाई निकल गई थोड़ी बहुत, तो वो सब सही करूँगी। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।